नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल कुमार में। चले दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बात की थी होम टैब के बारे में। अब बात करने वाले हैं इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब में कितने ऑप्शन होते हैं, यूजर क्या क्या कर सकता है, यूजर कैसे हम इंसर्ट टैब का यूज कर सकता है, तो चलिए इस इंसर्ट टैब का यूज के बारे में और इंसर्ट टैब कैसे, इंसर्ट टैब में और कितने ऑप्शन होते हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले इंसर्ट टैब में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। देखिए, सबसे पहला कवर पेज, दूसरा ब्लैंक पेज। यूजर मानिए कि कोई डॉक्यूमेंट लिखते लिखते लास्ट तक चला जाता है, उसके बाद से एक नए पेज की जरूरत होती है, तो ब्लैंक पेज पे क्लिक करते हैं, नए ब्लैंक पेज आ जाएंगे। पेज ब्रेक, यानी कि कोई मानिए कि एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए। यहाँ पे टेबल, नया टेबल इंसर्ट करने के लिए। पिक्चर्स, अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर्स जोड़ने के लिए, शेप जोड़ने के लिए। आइकॉन्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, कभी कभी हमने इसका इस्तेमाल बहुत बार मैथ में भी देखा होगा। स्क्रीनशॉट्स ऐड करने के लिए। उसके बाद से यहाँ पे ये कमेंट, हेडर एंड फुटर। हेडर का मतलब होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट में जैसे टाइटल होता है, हमारा चैप्टर का नेम लिखे हुए रहता है वो। फुटर, फुटर हम अपने पेज के लास्ट में जोड़ते हैं नीचे, जैसे पेज नंबर, डेट, किस डेट को पेज लिखा गया है और ये पेज नंबर। टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट ऐड करने के लिए। और भी बहुत सारे, चलिए एक एक करके हम देखते हैं कि क्या होते हैं। इसे क्लिक करते हैं, हमारे पास एक नया ब्लैंक पेज आ जाएगा। देखिए, दो पेज में हो गए, एक यहाँ, दो ब्लैंक पेज। और उसके बाद से पेज ब्रेक, जैसे मानिए कि यहाँ से हमको एक नया पेज ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ से जैसे जहाँ भी क्लिक रहेगा मेरा कर्सर रहेगा वहाँ से पेज ब्रेक कर रहे हैं, तो पेज ब्रेक पर क्लिक करते हैं, नया पेज ब्रेक हो जाएगा, यानी अब थ्री पेज हो गए। तो टोटल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थ्री पेज, वन पेज ऑफ थ्री, यानी फर्स्ट पेज है। चलिए इसमें कुछ डॉक्यूमेंट लिखते हैं। हेलो, जैसे हम हेलो लिखते हैं यहाँ पे, हेलो वेलकम माई चैनल टेक्निकल कुमार, ठीक है। उसके बाद से चलिए इसे हम वर्ड ऐड से इसे और बड़ा करते हैं। देखिए, जो हमारा वर्ड था इस टाइप में आ गया। इसे हम और छोटा कर लेते हैं। तो ऐसे हम अपने चैनल में लगा सकते हैं, कहीं भी इसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद से चलिए यहाँ पे टेबल को हम इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए हम अपने डॉक्यूमेंट में टेबल को इंसर्ट कर करते हैं। देखिए, जितने टेबल चाहिए, जितने रोज और कॉलम चाहिए वैसे इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर हम अपने इंसर्ट टेबल पर क्लिक करके इतने जिसमें जितने भी रोज कॉलम चाहिए उसके बाद हम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे, हमारे सामने उतने रोज और कॉलम आ जाएंगे। हम चाहे तो इसमें नए कॉलम भी जोड़ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे इंसर्ट पे आइए, टेबल में आइए, यहाँ पे ड्रॉ टेबल है। ड्रॉ टेबल के बाद यहाँ पे आप ऐसे क्लिक करेंगे, आपके सामने नए टेबल ऐड हो जाएंगे। देखिए, उसके बाद से इसको रोज बनाना है तो ऐसे क्लिक कीजिए, तो इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट हम लिख सकते हैं। इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं, जैसे हम नेम, उसके नीचे उसके बगल में हम इसमें क्लास डाल सकते हैं, क्लास, रोल नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद फादर्स नेम या फिर कुछ भी डॉक्यूमेंट्स में हम डाल सकते हैं, फादर्स नेम, ठीक है, मदर्स नेम, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे चाहे तो हम इसमें एक और कॉलम बना के सीरियल भी डाल सकते हैं, सीरियल नंबर, जिससे कि हमारा डॉक्यूमेंट और भी प्रेजेंटेशन और अच्छा दिखेगा। और यहाँ पे आता है उसके बाद हेडर एंड फुटर। हेडर का मतलब होता है, देखिए, हेडर जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारा जो भी डॉक्यूमेंट बंद है उसका टाइटल, जैसे हम लिख देते हैं स्टूडेंट लिस्ट, ठीक है, बड़ा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे होम में जाएंगे, इसका टेक्स्ट साइज बड़ा कर सकते हैं, जैसे 15, ठीक है। और लास्ट में हम फुटर भी ऐड कर सकते हैं इस पेज के लास्ट में। देखिए, आप फुटर पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट में आइए, यहाँ पे फुटर, फुटर में जैसे हमको पेज नंबर ऐड करने हैं, यहाँ पे पेज नंबर, जैसे पेज नंबर 1। अब अगले पेज में जाते हैं, यहाँ पे 1 पेज नंबर 2 आ जाएगा।
और यहाँ पे चाहे तो आप अपने टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी टेक्स्ट बॉक्स इसको हम इरेज करके अपना कुछ भी अलग से लिख सकते हैं, इसका कलर चूज कर सकते हैं किस कलर में। ठीक है तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही ढेर सारे टेक्निकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।